दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज की इस वीडियो में ये बात 1001% मैं साबित कर दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आप सीखने वाले हो वो कुछ पलों, कुछ मिनटों, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए एक ज्वाला को दिल में जगाती रहेगी। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना और हर एक व्यक्ति तक शेयर जरूर करना, क्योंकि यकीन मानो मेरा, इन वीडियोस की आज के युवा वर्ग को बहुत जरूरत है, तो इसमें मेरा साथ जरूर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो हमारी यूपीएससी वॉरियर सीरीज का एक हिस्सा है। इसी सीरीज में हमने कई सारे ऑफिसर्स की लाइफ हिस्ट्री को शामिल किया है, जैसे अंसार शेख सर, सफीन हसन सर, सृष्टि देशमुख मैम और भी 2019 के बहुत सारे टॉपर्स, तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। दोस्तों, आज की ये वीडियो उस आईपीएस ऑफिसर के बारे में है जिसका नाम अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, जिसका दिमाग आईएएस का और जिगरा आईपीएस का है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ बिहार के दबंग, भारत के सिंघम आईपीएस ऑफिसर मनु महाराज के बारे में। दोस्तों, मनु महाराज फिलहाल में डीआईजी पद पर नियुक्त हैं। वैसे कई बार मनु महाराज का ट्रांसफर कभी दरभंगा, कभी गया तो कभी पटना होता रहा है, लेकिन कभी भी मनु महाराज के चेहरे पर आपको कोई शिकन नजर नहीं आएगी, बल्कि वो हंसते हुए अपने सारे कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। मनु महाराज आज तक जहाँ भी गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्राइम रेट को कम ही किया है। दोस्तों, इस बात से हम ये सीख सकते हैं, हर मुसीबत के लिए हमें तैयार रहना है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर फोकस करना है। दोस्तों, किसी भी प्रशासनिक पद पर आपको नियुक्त होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लीडरशिप क्वालिटी का होना। मनु महाराज अपने बहुत से ऑपरेशंस को खुद ही लीड करते हैं, यहाँ तक कि कई बार वो स्पॉट पर AK-47 खुद ही लेकर पहुंच जाते हैं। एक ऐसी ही घटना सामने आई जब नक्सलियों ने दो कारोबारी भाइयों को बंधक बनाकर लखीसराय के जंगलों में छुपा दिया और उनके परिवार से फिरौती मांगी, तो ऐसे में मनु महाराज ने खुद मोर्चा संभालते हुए, ऑपरेशन को लीड करते हुए नक्सलियों के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले गढ़ में खुद दाखिल हुए और दोनों भाइयों को मुक्त भी कराया। दोस्तों, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के लोगों से इंस्पायर होना सीखिए, असली दबंग ऐसे काम करते हैं। मनु महाराज का जन्म 20 अक्टूबर 1974 को शिमला के ब्राह्मण कुल में हुआ था। मनु महाराज की प्रारंभिक पढ़ाई शिमला में ही पूरी हुई थी। इसके बाद आईआईटी रुड़की से इन्होंने बीटेक यानी कि स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पर्यावरण में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साथ ही साथ मनु महाराज सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी लग गए। वर्ष 2006 में मनु महाराज ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा बहुत ही अच्छे रैंक से हासिल की, जिसके कारण उनको आईएएस सर्विस मिल रही थी, लेकिन मनु महाराज ने आईपीएस का चुनाव खुद से किया, क्योंकि बचपन से मनु महाराज का सपना था आईपीएस बनना। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ आईएएस का दिमाग और आईपीएस का जिगरा, मतलब मनु महाराज। इनके दिमाग के काम करने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार के जितने भी खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन होते हैं उसे मनु महाराज ही लीड करते हैं। मनु महाराज ने आज तक किसी भी क्रिमिनल को गलत शब्दों से बात नहीं की। उनके ऐसे स्टाइल और यूनिकनेस को न केवल आप उनकी मूछों में देख सकते हैं, बल्कि उनके काम करने का तरीका भी बहुत ही अनोखा है, जिसके कारण न केवल वो जनता में बल्कि नीतीश सरकार के चहेते अफसर में से एक है। कुछ दिनों पहले मनु महाराज चर्चा में इसलिए भी आए थे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी इनके अंडर दिया गया था। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही होता है जो काम को ग्राउंड जीरो पर भी चेक करे, क्योंकि जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वो जनता के बीच मिलता है। एक बार मनु महाराज रात के समय चेहरे पर गमछा बांधकर भेस बदलकर साइकिल से ही पेट्रोलिंग पर निकल पड़े। वे एक पुलिस जिप्सी के पास पहुंचे और वहां पुलिस वाले से कहा, साहब, मैं मजदूरी करके लौट रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने मुझे लूट लिया, कृपया मेरी मदद कीजिए। उस पुलिस वाले ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वहां से उसे भागने को कहा। मनु महाराज ने उनसे निवेदन किया तो पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की, तभी मनु महाराज ने चेहरे पर से गमछा हटा दिया। इसके बाद तत्काल उन सभी लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नक्सलवादियों के कई इलाकों में जबरदस्त काम के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों, बड़े बड़े काम तब संभव होते हैं जब आपकी टीम भी आपकी तरह सशक्त हो, तो मनु महाराज इसका खास ख्याल रखते हैं और अपनी टीम को हमेशा अलर्ट मोड में रखते हैं। एक बार उन्होंने ऐसा किया जिसको देखकर सारे के सारे पुलिस वाले चकित रह गए। पटना के बेहद सुरक्षित कोतवाली थाने से पुलिस की जीप चोरी हो गई। दिलचस्प बात ये रही कि ये चोरी किसी और ने नहीं
बल्कि मनु महाराज ने खुद की थी। उन्होंने पुलिस की सक्रियता और कार्रवाई को चेक करने के लिए खुद ही जीप को गायब किया था। मनु महाराज हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक भारतीय के लिए कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, निर्भीक, बेबाक लीडरशिप का एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, मुझे गर्व है हमने इन पर वीडियो बनाई। और आपने मनु महाराज से क्या सीखा कमेंट में जरूर लिखकर बताना। और अगर आप मनु महाराज से थोड़ा भी इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को इतना लाइक करें कि लाइक का बटन ही टूट जाए। और हर छोटे से लेकर बड़े तक इस वीडियो को शेयर करना, यकीन मानो उनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। अपने इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको कहीं ना मिलेगी। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।